आज रात 12 बजे से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, जिनको संसद के द्वारा विधिवत लागू किया गया है, पारित किया गया है। तो सबसे पहले इन कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या बदलाव हैं। तो ये कानून जो है न्यायिक नागरिक के लिए केंद्रित कानून है। अब कैसे, जैसे कि इसमें FIR से रिलेटेड EFIR इलेक्ट्रॉनिकली सूचना दिया जा सकता है, 0 FIR का प्रावधान है, महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध अगर घटित होती है तो 24 घंटे के भीतर उनकी सहमति से उनका बयान चिकित्सीय जांच लेने का प्रावधान है, तथा मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं उन पे बाध्यता है कि 7 दिनों के भीतर उसकी रिपोर्ट दें। इसके अलावा पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के भीतर जांच जो है करके और जांच में क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में, उसकी प्रगति के बारे में पीड़ित को सूचित करना है। इसके अलावा नागरिक केंद्रित इसमें 2 चीज़ें और हैं धारा 397 और 98 में। एक तो कि विटनेस का प्रोटेक्शन स्कीम बनाया गया है, मतलब गवाह संरक्षण योजना, जिसके लिए अलग से राज्य सरकार जो है प्रावधान लाएंगी, और मुआवजा का जो पीड़ित हैं उनके लिए मुआवजा का भी आदेश पारित किया गया है। अब कुछ न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी लाया गया है, बदलते समय के अनुसार टेक्नोलॉजी लाया गया है, ताकि जो हम लोग साक्ष्य संकलन करते हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहे और त्वरित कार्रवाई हो पाए। अब जैसे इसमें सम्मन, जो सम्मन है अब भौतिक रूप से नहीं देना है, इलेक्ट्रॉनिकली चला जाएगा। नोटिस का प्रावधान है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं उनको भी प्रस्तुत करना, और ट्रायल भी है जो माध्यम माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि गवाह है आपको, या फिर न्यायिक अभिरक्षा में कोई कैदी है तो उनको वहीं से न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थापित करवाना। तो ये काफी बदलाव किए गए हैं जिससे आपकी कार्रवाइयां जो है वो कम समय में और ट्रांसपेरेंट रूप में हो पाएंगी। दस्तावेज जो है उसकी परिभाषा बदली गई है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उसमें शामिल किया गया है, तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हम लोग प्रस्तुत करते हैं तो उसको दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। सेकेंडरी एविडेंस जो होता है, द्वितीय साक्ष्य जो होते हैं उनकी परिभाषा को बताया गया है, जैसे ओरिजिनल से अगर कॉपी बनाया जाता है उसी समय किसी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का तो वो भी हमारा जो द्वितीय साक्ष्य होगा। महिलाओं और बच्चों पे विशेष फोकस किया गया है, कुल मिला के 37 धारा ऐसी हैं जिनमें इनके ऊपर कोई भी अपराध होता है उससे निपटने की धाराएँ दी गई हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है कि इसको जेंडर न्यूट्रल किया गया है इन सभी अपराधों को, जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो था पहले तो दृश्यकारिता हो गया और डिसरोब बेनग्न करना, ये अगर कोई महिला भी कारित करती है तो वो भी अब न्याय के धारा में आ गए हैं। प्लस जो हमारे पहले चाइल्ड का डेफिनेशन, बच्चों का डेफिनेशन था, उसको जेंडर न्यूट्रल किया गया, सामान्य किया गया कि बच्चा कोई भी हो, पुरुष मेल हो फीमेल हो या उभय लिंगी हो, 18 वर्ष से बस कम उम्र होनी चाहिए, वो बालक की डेफिनेशन के अंदर आएगा। इसके अलावा कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं, जैसे कि झांसा देकर बलात्संग करने का आरोप होता है, छीन झपटी जो झपट मारी होती थी तो उसको जोड़ा गया है, छोटे संगठित अपराध को जोड़ा गया है, बड़े असंगठित अपराध ऐसी धाराएं कुछ नई लाई गई हैं। उसके अलावा एक बड़ा बदलाव हुआ है कि देश की संप्रभुता एकता अखंडता पे अगर कोई लोग या विशेष समूह प्रहार करते हैं तो उसके रूप भी बदलाव है, जो राजद्रोह था उसको हटा के ये देशद्रोह के अंदर लाया गया है। तो काफ़ी अच्छे बदलाव हुए गए हैं, काफ़ी अच्छे रूप से नई चीज़ों को परिभाषित किया गया है। मॉब लिंचिंग है इसमें एक, कि अब जो मॉब लिंचिंग के दोषी होंगे उनको मृत्यु दंड तक की सजा मिलेगी। त्वरित न्याय, अब त्वरित न्याय के लिए क्या क्या है, कुल मिला के BNS में 45 धाराओं को इसमें जोड़ा गया है BNSS पे। अब इसमें क्या है, जैसे एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, पहली सुनवाई जब भी होती है उसके 60 दिनों के अंदर आरोप को तय कर लेना है न्यायालय के द्वारा, उसके बाद अगर आरोप तय हो गया तो 90 दिनों के भीतर जो घोषित अपराधी हैं अगर वो अनुपस्थित भी है, पहले क्या हुआ कि उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है तो उनका जजमेंट नहीं हो रहा है, ट्रायल नहीं हो रहा है, अब एक विशेष प्रावधान कर दिया गया है, उसका नाम ही दिया गया है कि इंक्वायरी ट्रायल एंड जजमेंट इन एब्सेंसिया, मतलब अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए आप तो आपका जजमेंट हो जाएगा, आपके ऊपर दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको अपील का भी कम समय दिया जाएगा, उस समय तक भी आप अगर नहीं प्रस्तुत हुए तो आपको अपील का भी पावर नहीं दिया जाएगा। तो ये त्वरित न्याय में है। इसके अलावा एक
इंपॉर्टेंट बदलाव है कि आपराधिक कार्यवाही में कोर्ट को दो से अधिक, ध्यान देंगे, दो से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं है। तो एक बहुत अच्छा है, बार बार जो है डिफेंस काउंसिल लोग जो है कोई ना कोई बहाना बनाकर अक्सर देखा जाता है कि स्थगित करते हैं, एडजर्नमेंट करते हैं, तो अब केवल दो बार का प्रावधान है। अब देखते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या और बदलाव किया गया। तो इसमें एक मेजर बदलाव है कि अब अभियोजन निदेशालय राज्य स्तर पर भी होगा और जिले के स्तर पर भी होगा, जिसमें एक निदेशक रहेंगे, उनके नीचे उप निदेशक, उनके नीचे सहायक निदेशक, और सबको अपने अपने कार्य क्षेत्र बांटा गया है विस्तृत रूप से, जो बहुत अच्छा है। पूछताछ और परीक्षण जो हम करते हैं, जो इंट्रोगेशन करते हैं, वो अब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हैं। इसकी भी हमें अलाउ किया गया कि हम लोग किया उसका यूज किया जा सकता है। विचाराधीन कैदियों के लिए उनकी रिहाई, इसके लिए भी कुछ प्रावधान है। जैसे जो पहली बार अपराध किए हैं ऐसे अपराधी, तो उनको रिहा किया जा सकता है कोर्ट के आदेश से। इस तरीके के कुछ अच्छे बदलाव हुए हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव जो पुलिस के एंगल से हुआ है, तो पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ी है और पारदर्शिता भी बढ़ी है। प्लस जो कन्विक्शन हमें करना है दोषियों को, वो करने में अब हमें आसानी होगी। इसके कारण जैसे इसका एक एग्जांपल देंगे कि जब भी हम जब्ती तलाशी करेंगे उसको अनिवार्य किया गया है बीएनएसएस की धारा 105 के अंदर, कि उसका पूरी सर्च एंड सीजर का जो है हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, तो इस संबंध में हमारी तैयारी भी काफी अच्छी है। फिर बताया गया कि असंगे मामलों में दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को 15 दिनों के अंतराल में भेजी जाएगी, तथा एनसीआरबी के द्वारा एक संकलन ऐप है जो डेवलप किया गया है, जिससे सभी पुलिस पदाधिकारी और भी जो प्रशासनिक पदाधिकारी इसको तुरंत इसको इस्तेमाल करके धाराओं के बारे में जान सकते हैं। सीधा इसमें आप अब धारा डालिए और उसमें क्या प्रावधान है आपको आ जाएगा। ये आम जनता के लिए भी ये आराम से ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो एनसीआरबी के द्वारा संकलन ऐप है, संकलन ऐप जो एप्पल ऐप स्टोर और गूगल ऐप प्ले स्टोर दोनों में। तो हमारा अनुरोध है जनता से कि हमसे जुड़े, हमारे फेसबुक का लाइव पेज होता है, हमारे ट्विटर का पेज है, हमसे कनेक्ट करें, नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानें और इसके बारे में और चर्चा हो, जन जागरूकता हो। तो ये थी इसके बारे में बात। अब हम बात करेंगे कि पुलिस की इसमें क्या तैयारी है। तो हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में पूरे बिहार में हर एक जिला में हाइब्रिड मोड में, और हाइब्रिड मोड मतलब ऑनलाइन जो जो जिला उसमें डायरेक्ट जुड़े, और ऑफलाइन में ज्ञान भवन एन कॉलेज वगैरह में 3 सत्रों में, और प्रत्येक सत्र 3 दिवसीय था, तो पूरे पुलिस पदाधिकारियों की वृहद रूप में ट्रेनिंग हुई है। इसके अलावा हमारे स्तर से और मास्टर ट्रेनर के स्तर से हर एक थानाओं में जाकर इन पर विचार विमर्श, टेस्ट, इंटरैक्टिव सेशंस तथा प्रशिक्षण, जो सबसे जरूरी धाराएं हैं, क्या क्या चेंज आ रही है प्रोसीजर में, क्या क्या चेंज आ रहा है, इस सब के ऊपर विस्तृत रूप में चर्चा की गई है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पिछले मतलब 1 माह से हम लोग भिन्न भिन्न रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो एक तो ये होगी प्रशिक्षण की बात। इसके अलावा इसको हम लोग कैसे धरातल पर लागू करेंगे, इसके लिए विशेष रूप से व्यवहारिक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया है। जैसे CCTNS में बदलाव किया गया है, ई साक्ष्य का संकलन कैसे करेंगे उसमें बदलाव किया गया है, पुलिस आदेश जारी किया गया है, फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन कैसे होगा, 7 साल से ऊपर की जो भी सजाएं हैं उनमें अनिवार्यता है फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की, तो उसके लिए एक हमारे हर जिला में अब जो है एक चलंत फॉरेंसिक टीम रहेगी जिसको एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट लीड करेंगे। तो कुल मिला के देखेंगे कि हमारी तैयारी काफी अच्छी है, और ये जो मेजर स्विच है जो सरकार की तथा पुलिस जो है हेडक्वार्टर्स का, ये एक बहुत बड़ा पुश है जो पुलिसिंग को जो है पॉजिटिव वे में चेंज करेगा। तो इसी के साथ काफी अच्छा, आप लोग से भी हम लोग सहयोग की अपेक्षा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।